अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हाउ आर यू? दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 9, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे पहले मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर करवाया है, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, दैट वाज डन ऑलमोस्ट। एक दिन हमने उसकी रीडिंग की थी विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्स्ट एज वेल, और दूसरे दिन फिर मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज करवा दी थी और उसमें कुछ सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हुए थे। टुडे दिस चैप्टर इज हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इसमें फर्स्ट जो है वो यही होगा कि पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है? आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें, प्लीज ओपन योर बुक्स। दिस इज लेसन 9, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। You can open it in your soft copies either or hard copies, whatever you had. I'm going to start. What is it like to be really hungry? I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball, or after a few hours when you have been too busy to eat and said, I'm starving. But this hunger did not last long. If your meal was not ready for you, after a few slices of bread and butter, you forgot all about those hunger pangs. But hunger does not mean missing one meal or even meals for a whole day. It means never having enough to eat. It means when you have had something to eat at least as much again. It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from, or even if there will be a next meal. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हंगर जो कि आपको राइटर बताती है। पहले वो बताती है कि क्या आपको पता है कि भूख क्या है, भूख किसे कहते हैं। हमें हम जिस सर्कमस्टांस में रहते हैं, अल्लाह का बेपनाह बेशुमार शुक्र है कि हमारे लिए भूख ज्यादा से ज्यादा ये है कि हमारा एक मील लेट हो गया है या हमारे पास खाना अवेलेबल नहीं है, हम थोड़ा लेट हैं, खाने से दूर हैं, और बस वो थोड़ी देर हमें भूख लगती है, ठीक है, और हम उसको फौरन जो है वो कवर कर लेते हैं जैसे ही हमें खाना मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह खाना अवेलेबल होता है और हम खा लेते हैं, ठीक है। बट हियर शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हंगर पेंजेस विच वी एक्सपीरियंस ऑफन ऑफ एंड ऑन, ऑलराइट? ये वो भूख नहीं है जिसकी राइटर बात कर रही है ना। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो अफ्रीकन कंट्रीज में, कीनिया में, जहाँ पे स्टारवेशन या फेमिन कहत जिसे कहते हैं, कहत जहाँ पे अल्लाह माफ करे एक बर्पा होता है, उधर क्या होता है ना, सिचुएशन क्या होती है, वहां पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर एक टाइम का उन्हें मिल गया है तो दूसरा उन्हें मिलने वाला है भी या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वो इतना सफिशिएंट या इतना इनफ नहीं होगा कि वो उन जिससे उनकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें उसने दो तीन सेंटेंसेस जो हैं वो बताए हैं जिसमें उसने हंगर की डेफिनेशन, हंगर को डिफाइन करने की कोशिश की है, एंड दैट वुड बी योर क्वेश्चन एज वेल। आप साथ साथ अपनी कॉपीज निकाल लिया करें, ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बना लिया करें, लेक्चर में जो बात आपको समझ नहीं आ रही उसको आप साथ लिख लिया करें, ठीक है, बाद में जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है आप उसमें मेरे से बात कर लिया करें। अब इसमें क्या है कि वो बता रही है कि इट मीन्स Never having enough to eat. भूख का मतलब क्या है कि कभी भी खाने के लिए आपको इतना नहीं मिला कि जो आपके लिए इनफ है, जो आपको सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर से एक फीलिंग्स क्रिएट होती है ना कि बस, ठीक, और उस बस के बाद क्या करते हैं, हम खाना रोक देते हैं। तो जो भूख है ना जिसकी ये बात कर रही है ना, उसमें ये बस वाली कैफियत नहीं क्रिएट होती लोगों में, क्योंकि उनके पास इनफ टू ईट होता ही नहीं है। It means when you have had something to eat at least as much again. It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from or even if there will be a next meal. ये भूख एक ऐसी सिचुएशन का नाम है, क्या बताती है वो, कि जिसमें आप हैरान होते हो कि अगला खाना मिलना भी है या नहीं, ठीक है, या कहाँ से आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। Arthur Hopcraft of the Guardian said of starving children after visiting a nutrition center in Kenya. ये एक राइटर है Arthur Hopcraft, ठीक है, ये Guardian एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके अंदर वो एक रिपोर्ट लिखता है कीनिया से विजिट करके जब वो आता है, ठीक है, और उसमें वो क्या बताता है कि उन बच्चों की क्या हालत थी। They are the children whose eyes stare as if blind. उनकी आंखें वो ऐसे खुली हुई थी जैसे वो अंधे थे। अगर आप लोगों ने कभी ब्लाइंड लोगों को देखा हो तो देयर आईज आर वाइडली ओपन बट दे आर नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनकी आंखें स्टेयर यानी वो खला में मुअल्लक हैं, खला में घूर रही हैं, किसी भी चीज को देख नहीं रही हैं,
they are unable to see, they are unable to focus, they are unable to concentrate, whose legs and arms are like sticks of licorice, और उनकी टांगे और उनके बाजू इतने पतले हैं जैसे sticks of licorice, ये जो आपके सिट्टे होते हैं ना, ठीक है, उतनी पतली, उतनी कमजोर, who neither cry nor laugh and who weigh 10 pounds at the age of 2 years. ना वो हंस सकते हैं ना रो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है. ऑब्वियसली व्हेन दे आर नॉट इनफ फूड टू ईट, तो हाउ कैन देयर बॉडी, हाउ देयर बॉडी कैन जनरेट एनर्जी फॉर देयर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लॉफिंग, क्राइंग और एनी अदर एक्टिविटीज, बिकॉज देयर सर्कल और देयर फोकस इज ओनली फूड. वो सिर्फ खुराक के बारे में सोचते हैं और खुराक उनके पास जो है वो अवेलेबल नहीं है. उनके लिए फिर जिंदगी की बाकी रंगीनियां जो है वो कोई मानी नहीं रखती और वो इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं, जैसे बिल्कुल आप कह लें कि जो गंदम का या ये जो चावल का सिट्टा जो होता है इतना. फेमिन हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम. द अर्ली हंगर सफर्ड ग्रेव शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली. अब वो क्या बता रही है राइटर, अब वो थोड़ा बैकग्राउंड बताएगी आपको. इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू समराइज, साथ साथ मैं इसको समराइज कर रही हूँ. पहला पैराग्राफ जो उसने राइटर ने आपको बताया है दैट वाज अबाउट हंगर. दूसरे पैराग्राफ में अब आपको फैमिन्स की कहत की ना डेफिनेशन या वो उसका सॉरी बैकग्राउंड बताएगी कि ये अब से नहीं है, ऐसा नहीं कि अब से है, जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से तहजीबों का आगाज हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है कहत का, स्टारवेशन का प्रॉब्लम है, ये दुनिया को अक्सर फेस करना पड़ा. और शुरू में क्या होता था कि जो हंटर्स थे वो उनको शॉर्टेज, वो विंटर मंथ्स में उनको फूड का शॉर्टेज हो जाता था, ठीक है, और वो क्या करते थे, एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली. One of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian pharaoh. मिस्र का एक फिरौन जो है, यानी ये जो मिस्र के बादशाह हैं उनको फिरौन कहा जाता है, उसका एक उसने एक वो कहती है कि एक बहुत अर्ली टाइम्स में का जो है कहत का रिकॉर्ड मिलता है, ग्रेनाइट के एक पत्थर पे लिखा था किसी फिरौन ने. और उसने क्या लिखा था, ही सेड, जैसे हम लोगों के पास आर्काइव्स में अभी भी देखें ये प्रिंट मीडिया तो बहुत बात की पैदावार है ना, इससे पहले भी तो लोग तारीख का रिकॉर्ड रखते थे ना, तो वो ऐसे दरख्तों पे लिखते थे जो उनके वाकयात उनके साथ पेश आते थे, या वो इस पे पत्थरों पे लिख लेते थे. तो फिर वक्त के साथ साथ ये जब सारे आर्काइव्स मिले, ये सारी चीजें दरियाफ्त हुई, तो फिर जो लैंग्वेजेस थी डेफिनेटली दे हैड डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम वो नहीं समझ सकते, फिर लैंग्वेजेस को डीकोड करके, और ये एक पूरा एक अलग पूरी डिस्कशन है. बहरहाल इनको बहुत हजारों साल पहले एक मिस्र के फैरो ने कुछ ग्रेनाइट के पे कार्व किया, पत्थर पे लिखा, और वो इनको मिला. और उसने क्या लिखा था, ड्यूरिंग माई रेन द नाइल हैज नॉट बीन इन फ्लड फॉर 7 years. 7 साल तक रिवर नाइल में पानी नहीं आया था. कॉर्न इज स्कैर्स, स्कैर्स बहुत कम, खत्म हो गई थी. एंड फूड इज लैकिंग, दोज हु रेन कैन नॉट इवन वॉक. The food bins are broken open and empty. It is the end of everything. So he told us that that was end of everything. Definitely, when your masses, your people are not having enough food to eat, how can they survive? You know, human beings cannot survive without food and water. This is very natural and we know this fact very well. तो जब जाहिर है खुराक नहीं है, पानी नहीं है, तो वो किस तरह से exist कर सकेंगे? तो that was the end of humanity. We read in the Bible of many cases. We read in the Bible of many cases of famine. There were 7 years of famine in Egypt and the surrounding countryside during the time of Joseph. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कहानी है वो तो हमने कुरान पाक में भी पढ़ी है ना, सूरह यूसुफ जो है वो उसमें बताया गया है, हमें उससे गवाही मिलती है कि इजिप्ट में या मिस्र में जो है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, कायम हुई थी, उससे पहले एक वो जो भी अजीज़ मिस्र थे या उनके ज़माने में एक कहत पड़ गया था खुराक का, तो फिर इर्द गिर्द के लोग भी उससे बहुत मुतासिर हुए थे, लेकिन उनकी अच्छी हिकमत अमली की वजह से वो लोग सर्वाइव कर गए, वो लोग बच गए, ठीक है. वो ड्रीम की कहानी वो पूरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि कैसे बादशाह को ख्वाब आया,
पहले, और उसने जब ये ख्वाबों की जो ताबीर ताबीर के लिए उसने फिर जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा करवाया और उन्होंने बताया कि ये आपके ख्वाब की ताबीर की है कि 7 साल जो है वो पहले कहत के पहले बहुत अच्छी फसल के आएंगे और फिर 7 साल जो अगले हैं वो कहत के होंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया था कि जो अर्ली 7 ईयर्स जो थे जो कि अच्छी खुराक के और पैदावार के प्रोडक्शन के थे उसमें उन्होंने गल्ला जो है वो स्टोर कर लिया था अगले 7 सालों के लिए। वाइड स्प्रेड डिजास्टर वॉज ओनली एवर्टेड, डिजास्टर मीन्स तबाही, ओके, और एवर्टेड मीन्स अवॉइड, उससे बचा गया, बहुत ज्यादा तबाही से किस तरह बचा गया, बाय द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। के वो मैंने भी आपको जैसे बताया कि फिर चूंकि उनको पहले ही इशारा ये अल्लाह ताला की तरफ से हो गया था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको मैनेज कर लिया कि जो प्लेंटीफुल हार्वेस्ट यानी खेतियां या खुराक या पैदावार प्रोडक्शन वगैरह जिसमें बहुत ज्यादा प्लेंटी कहते हैं किसी चीज की कसरत को, ठीक है, कसीर तादाद में जब वो मिकदार में सॉरी जब हार्वेस्ट हुई जो पिछले 7 साल थे उसमें उन्होंने उन गल्ला अपना महफूज कर लिया। इजिप्ट वॉज सेव्ड फ्रॉम फेमिन बाय द नेशनल एफर्ट बट मेनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंग्री। जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन। तो इजिप्ट जो मिस्र जो था वो तो बच गया, एक कौमी लेवल पर नेशनल लेवल पर एफर्ट की गई, ठीक है, जो लोग थे वो भूख से बच गए, लेकिन और हाँ और इसमें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई थे वो भी आपको पता है इजिप्ट से आते होते थे, सॉरी इजिप्ट आते होते थे, पैलेस्टाइन रहते होते थे वो लोग, फलस्तीन की सरजमीन से वो भी गल्ला लेने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते थे। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800 देर आर रेकर्ड्स ऑफ फेमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स, वन फेमिन एवरी 5 ईयर्स। जी हर पांच साल बाद एक कहत पड़ता था, ठीक है, और डेट्स ये फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1800 आप समझ लें साल पहले। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फेमिन एवरी 10 ईयर्स। फिर वो बताती है कि इंग्लैंड में भी हर 10 साल बाद एक मेजर एक बहुत बड़ा जो है वो कहत पड़ता था। These were general famines when a large area of the country was affected by there were many more local famines. We can get some idea of these famines from our folklore. Folklore कहते हैं जो लोक कहानियाँ होती हैं, हमें ये जो from generation to generation हमारे बाप दादा से नस्ल नस्ल दर नस्ल कहानियाँ जो transfer होती हैं उसमें भी कहत की कहानियाँ हमें मिलती हैं। The stories of Robin Hood often involve local food shortages with Robin helping with transport of food, robbing the rich to feed the poor or poaching for them for the royal forests. इसमें रॉबिन हुड की भी एक बहुत मशहूर जो है वो एक फोक टेल है, एक कहानी है जिसमें वो क्या बताते हैं कि वो कैसे अमीरों से खाना चुरा के गरीबों तक लेकर जाता था। अब ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है और मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करवा भी नहीं सकती क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो 15 मिनट्स की वीडियो में आज हमने ये इसका फर्स्ट पेज ही हम पढ़ पाए हैं। Now I'm going to give you some homework and that is reading. आप लोगों ने reading ही करनी है, अभी written work इसका नहीं हम शुरू कर रहे। You will read next 2 pages by yourself, all right? और फिर मैं उनका थोड़ा सा comprehension आपको करवा दूंगी और थोड़ा उसमें से हम skip भी कर लेंगे, ठीक है, और फिर आगे मैं मजीद पढ़ा दूंगी। मतलब इस chapter पे आपके 3 lectures होंगे, not 2, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एज वेल, और 2 chapters में रीडिंग होगी और मे बी इस पे 4 lectures हो जाएं आपके, 2 हो जाएं 4 हो जाएं इसमें, मतलब ये चैप्टर में अच्छा सा आपको टाइम दे के कवर करवा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये ऑलमोस्ट आपका अब टाइम हो गया है फर्स्ट लेक्चर का, इसका ओवर हो गया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, अपने तौर पे जो मैंने पढ़ाया है इसको भी पढ़ना है और नेक्स्ट 2 जो आपको पेजेस मैंने दिए हैं उनकी भी आपने रीडिंग करके रखनी है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।